श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हुई है जब गौरा स्कूल से वापस आई है, और गौरा को आज लेने गया था गोली, क्योंकि गोली की थी आज छुट्टी। हाँ नहीं, वो तो सेपरेट हो जाती ना, कोई और सब्जेक्ट मैम पढ़ाती हूँ। बर्थडे है किसका? किसका बर्थडे है आज? गौरा का बर्थडे है क्या? सरप्राइज। गौरा का बर्थडे है क्या आज? नहीं। आज बड़ी मस्त लग रही है गौरा, आज कुछ ज्यादा ही मस्ती करके आई लग रहा है स्कूल में। आज पढ़ाई की थी क्या गौरा ने? पापा ऑफिस, पापा वो लेने गए हैं गिफ्ट। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। मैं हूँ किचन में, हो रहा है दोपहर का टाइम। गौरा आ गई है स्कूल से, गोली की थी छुट्टी, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का पिज्ज़ा देसी स्टाइल में। मतलब एक पिज्ज़ा होता है मैदे का, लेकिन इसमें भी मैदा है, वैसे मैदा अलग है इसमें, क्योंकि ब्रेड है। ब्रेड पे हमने डाली है सूजी का पेस्ट, जो कि हम लोग उत्पम के लिए यूज़ करते हैं, वो डाला है। और मेरा बन गया है सूजी का पिज्ज़ा ही कह सकते हैं। सो यहाँ पर गोली कर रहा है पढ़ाई, हाथी में गोली कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि आज स्कूल नहीं गया तो हमने बोला थोड़ा पढ़ लो। और यहाँ पर मैंने गौरा को दे दिया है गौरा का लंच, क्योंकि गौरा को आज कुछ खाना नहीं था। क्या खाना था गौरा को? डोसा। डोसा खाना था, तो डोसा तो बन ही सकता, तो हमने उत्पम बनाया। गौरा के लिए हमने बनाया है सूजी का ब्रेड पिज्जा, है ना? तो कैसा लग रहा है? अच्छा बना है, ठीक है। और इनको भी दे दिया है मैंने, ये खा रहे हैं चाय के साथ। चिली सॉस, पक्का सॉस इसमें डल रहा है वैसे? अरे स्वाद आ रहा है। मैंने इसके ब्रेड मतलब पेस्ट डालने से पहले, और गाइस पता है आज आज ही है किसी का बर्थडे, सो मैंने ब्रेड के लेयर पे सूजी डालने से पहले ही सॉस लगा दिया था। नींबू का अचार, सो इन्हें देती हूँ नींबू का अचार, इनका अलग ही क्रेज है। हाँ तो आप बन तो रहा है, मैं क्या पूछ रही थी उससे, खड़े हो जाओ वहां से। सो फाइनली गौरा हो रही है तैयार। गौरा कहाँ जा रही है तैयार होके? मैं बाबू के बर्थडे में। आज बर्थडे में जाना है, कहाँ पे? रुद्रपुर। अच्छा, अरे अरे ये मम्मी लगाएंगी मेरे। मम्मी आपके नहीं लगाऊंगी मैं, ये तो आपके बाल बहुत छोटे हैं इसके लिए, तो ये मम्मी लगाएंगी। हाँ ये मैं लगा लूंगी। तो तैयार हो जाओ, मैं आपको हेयर स्टाइल बना दूँ। कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए आपको? बीच की मांग निकालू, साइड की? साइड की। साइड वाली? कौन सी होती है साइड वाली? लड़की को पता है भाई। खुशिया तो गाइस मम्मी कर रहे हैं मेकअप। मम्मी क्या कर रहे हो आप? लाइनर लगा रही हूँ मैं। देखो मम्मी का मुंह यहाँ से दिख रहा होगा शीशे से, देखो। मैंने पहनी है पिंक कलर का ड्रेस, देखो। और मैं पहनने वाली थी साड़ी, है ना गौरा? ये साड़ी ये रही। और फिर पापा ने बोला अच्छा थोड़ी सी चुभन हो जाएगी, इसलिए मम्मी ने, हाँ, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। मैं अपना लुक दिखाती हूँ गाइस। मैंने ये पहन रखा है पिंक कलर का फ्रॉक, क्यूट सी फ्रॉक, इसलिए आज नहीं जा सकती खेलने। जब ट्यूशन वाले बच्चे आते थे तब मैं जाती थी खेलने, इसलिए मैं नहीं आज जा रही हूँ। तो अभी काजल भी लगा रखा, तो पापा अभी नीचे गए हैं। पापा कहाँ हैं? पापा आपका लुक शर्ट एंड कैसी लग रही है मेरी पैंट? अच्छा, तो अभी पता नहीं गोली भैया हैं, तो आपको मिलते हैं हम रुद्रपुर। और ये है मेरा ड्रेस, और ये ड्रेस मेरा, ये मुझे बर्थडे पे दिया था इन्होंने, और मैंने आज फर्स्ट टाइम पहना है। कैसा लग रहा है? अच्छा। चलो गौरा, हाँ आप भी व्लॉग बना रहे हो? हाँ चलो शूज पहनते हैं और हम मिलते हैं आपको। हम कहाँ जा रहे हैं? गौरा ने आपको बताया हम रुद्रपुर जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं बाबू के बर्थडे में, अथर्व के बर्थडे में, सॉरी। और आपने, हम जा रहे हैं रुद्रपुर, गौरा ने आपको पहले ही बता दिया। तो हम जा रहे हैं रुद्रपुर और संजय भैया के घर,
क्योंकि हमने एक बार और व्लॉग डाला था, उनके बेटे का बर्थडे है अथर्व का, जब उसका बर्थ हुआ था तब भी हम गए थे मिलने देखने के लिए। तो आज उसको पूरा एक साल कंप्लीट हो गया उसके बर्थडे, उसके बर्थ को, तो आज वो एक साल का हो गया था, आज उसका फर्स्ट बर्थडे है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या मस्ती होती है और हमें क्या मिलता है पार्टी में, है ना गौरव? लव यू। मैंने ये बनाया है उसके लिए। खुद बनाया? हाँ। तुमने क्या बनाया? और गिफ्ट भी दिखा देते हैं और हम उसके लिए लेके आए हैं गिफ्ट, और ये है उसके लिए क्लोथ्स जो हम फर्स्ट प्राइस से लेके आए हैं, ये है क्लोथ्स। अभी खोल के नहीं दिखाते क्योंकि किताब भी रख जाएगी। और एक और गिफ्ट है जो कार में रखा है। हाँ तो चलते हैं, चलो। सो फाइनली हम चल दिए हैं रुद्रपुर की तरफ। और पापा गाड़ी चला रहे हैं, पापा गाड़ी चला रहे हैं। कैसा लग रहा है? गर्मी सी हो रही है भाई, गर्मी लग रही है। या तो खिड़की खिड़की खुल तो रही है, एसी चला दो। मम्मी ने से चूड़ी पहनी, मैंने ब्रेसलेट पहना है और एक नेकलेस। मम्मी ने आपने पहना? यहाँ इवनिंग टाइम पे कितनी भीड़ रहती है ना, 4 बजे के बाद से अलमानी में। ऐसी भीड़ से कोई गांव छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ मतलब ऐसी लगता था नहीं क्या हो गया। भागो, हमला कर दिया है दुश्मन ने। ऐसी लग रहा है? नहीं हाँ ऐसा लग रहा है सब घर छोड़ के भाग रहे हैं। 6:30 बजे चले थे और 6:30 बजे के जस्ट थोड़ी देर बाद ही हो गया अंधेरा और गौरव को आ गई थी नींद क्योंकि वो दोपहर सोई नहीं थी। और पहुँचते बिल्कुल हो गया था अंधेरा। हम फाइनली रुद्रपुर पहुँच चुके थे और रुद्रपुर में एंटर करते ही काफ़ी रश मिल गया था क्योंकि ऐसा टाइम था, क्योंकि ये सिडकुल है तो यहाँ पर इस टाइम छुट्टी होती है सबकी, तो इसलिए रश काफ़ी मिल गया था और हम लोग जाम में भी फंस गए थे और गाड़ियाँ काफ़ी रेंग के चल रही थी। ऐसा होता ही अगर हमें कहीं जल्दी जाना हो, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है, या तो जाम लगता है या कुछ और प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे भी जाम लग गया था, बट ये था रिलीफ ये था कि धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही थी और हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। सो हम लोग फाइनली निकल गए थे जाम से, और फाइनली जाम से निकल के हम पहुँच गए थे भैया के घर। और ये रहा डेकोरेशन, बर्थडे डेकोरेशन जो उन्होंने अपने घर के जस्ट बाहर ही कराया हुआ था क्योंकि काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। सो उन्होंने बाहर ही डेकोरेशन कराया हुआ था जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। खाने का इंतजाम भी यहीं था और गौरा भी पहुंच गई थी और गौरा को आर्या दीदी से मिलना था, सो वो उससे मिल चुकी थी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बाबू के पास, अथर्व के पास, और अथर अभी तैयार नहीं हुआ इसलिए हम दिखा नहीं रहे अभी अथर्व को। जब तैयार होगा तब दिखाएंगे। हम दिखाएंगे आर्या को, ये है बाबू की बहन। हेलो करो। हेलो। और ये है बाबू की मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपका बेबी 1 साल का हो गया, परेशान कर करके आखिरकार फाइनली 1 साल हो गया। आप तो परेशान नहीं करता होगा ज्यादा? अभी भी है वो, तो दो चार साल तक रहेगा, लेकिन फिर भी आप तो थोड़ा फिर भी सुविधा है। सोता तो होगा वैसे, बहुत सोता है पहले के हिसाब से, बहुत सोने लगा आपको, नहीं तो रात जागते हैं छोटे होते हैं। और बाबू अभी पहन रहा है कपड़े इसलिए हम उसको नहीं दिखाते, हम उसको बाद में दिखाएंगे। ये ले बर्थडे बॉय। हेलो हेलो करो अथर। हेलो हेलो। जय श्री राम कर दो, जय कर लो। अच्छा जय तो करो, देखो लाइट जल्दी लाइट। वाह जय जय करो। ऐसे करो हेलो, नमस्ते। हेलो नमस्ते कर दो। लाइट देख रहा है ध्यान से, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब ये हो जाएगा ना 3 साल का, फिर गौरव तेरे बोलेगा मेरा बर्थडे कब आएगा। नहीं कपड़े नहीं पहनने, देख लो बस हो गया, बच्चों का इरिटेशन, कपड़े पहनने ना पहनने। ये है दादी, लेकिन दादी लग नहीं रही है हमें, ऐसे लग रही है ताई जी हैं कोई बड़ी सी। हाँ लाइट को पकड़ना है, क्रीम लगाए थे चेहरे पे बाबू का क्रीम। आंटी जी आप क्या खाते हो? आप छोटे ही लग रहे हो अभी, दादी नहीं लग रहे। क्या हुआ? लो पकड़ो पकड़ो फोन को। लाओ मुझे दो, क्या दे रहे हो आप मुझे? क्या है ये? क्या मैं क्या करूँ इसका? हैप्पी बर्थडे वाला है। मैं क्या करूँ, मेरा बर्थडे तो है नहीं। किसका बर्थडे है? हेलो अथर्व का। अथर्व का आपका नाम क्या है? प्रिया बोला।
आप कितने साल के हो? 4 साल की। 4? स्कूल जाते हो? अच्छा, स्कूल अच्छा लगता है? और ये कौन है, छोटा सा बेबी? ये तो बहुत छोटा बेबी है। जाओ फोटो खिंचवा लो, जाओ वहाँ वहाँ फोटो खिंचवाओ, देखो सब लोग जाओ। जाओ काम होता है तो चल ही रहा होता है। तो ये रहे बड़े भाई के पापा जी, बधाई दे दो भाई। 4 दिन से दे रहे हैं। पार्टी का जुड़ जाएगा हमारी, हम बधाई देते हैं, रिमाइंडर देते हैं। भाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ बुला रहे हैं तुझे, बुला रहे हैं भाई। हाँ कि बधाई दे दी, हम इनवाइटेड हो तुम। कार्ड बना रहे हैं अलग से। हाँ गौरा, गौरा ने तो तुरंत आ रहे हैं, कार्ड बनना चाहिए अलग से भाई। हाँ कि गिफ्ट होना हो, कार्ड जरूर होना चाहिए, हैंडमेड। कार्ड का वीडियो भी बनाएंगे? कार्ड का वीडियो नहीं बना, कार्ड का नहीं बना, कार्ड ने दिखा दिया था लेकिन गौरा ने। कार्ड बनते हुए है लेकिन वीडियो में। हमें एक नया सब्सक्राइबर भी मिल गया वैसे। कहाँ? अंकल जी का फोन लेने सब्सक्राइब। हम 35 को टक रहे 36 हो। अंकल जी देखते ही रहेंगे। अंकल जी हमेशा मोबाइल पे रहते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे। अच्छा, अचानक से सोसाइटी में लाइट चली गई थी, यहाँ पर उसी का डिस्कशन हो रहा था कि लाइट आएगी तभी केक काटते हैं। अगर भाभी काट लो केक, क्योंकि ज्यादा देर अगर लाइट गई तो फिर केक भी गर्मी मेल्ट होने लगेगा फ्रिज में। सो जब तक लाइट आई मैंने सोचा अथर्व के साथ फोटो शूट कर लें, क्योंकि लाइट आएगी तभी केक कटेगा। बट लाइट तो आई नहीं, लेकिन डिसीजन हो गया कि केक काट लिया जाए, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे। सो केक कटिंग का टाइम आ गया। ये रहा अथर्व का प्यारा सा केक। लाइटें नहीं है ना अचानक, जब मैं पैर नहीं मारे प्लेट को। आशी देखो कहाँ गई आशी, कुंजू देखो कुंजू। और आप भी आइए ना, जाइए। खाने में क्या क्या है आज? तो पहले है सलाद, अचार, और ये है क्या? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है ये, आपने बनाए? फिर नेक्स्ट है ये है रायता, रायता है बूंदी का रायता। फिर ये है राइस, पूरी, पालक की और सिंपल वाली ना। फिर नेक्स्ट क्या है? ये है मिक्स वेज, मिक्स वेज है। फिर नेक्स्ट है दाल मखनी, दाल मखनी है। और लास्ट है शाही पनीर। थैंक यू बताने के लिए। सो केक कटिंग के बाद होता है फोटोशूट बच्चे के साथ, फैमिली के साथ। तो ये हैं प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल लवली लेडीज़ ऑफ द सोसाइटी। ये भाभी की सारी फ्रेंड्स हैं और बहुत ही अच्छी सोसाइटी है भाभी की, बहुत ही अच्छी लेडीज़ हैं सारी। और होना भी चाहिए, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे अगर आप में फ्रेंडशिप नहीं होगी, आप में बोलचाल नहीं होगी, आप में एक साथ रहने की क्षमता नहीं होगी, तो आप एक सोसाइटी में नहीं रह सकते। तो ये हैं प्यारी प्यारी लेडीज़ सारी।
फिर हमने की थोड़ी डांस मस्ती अथर की दादी के साथ और अथर की मम्मी के साथ। थकान हो गई है। 9 बजे चले थे हम लोग, 9 o'clock, 1 घंटा लग गया ना, 1 घंटा लग गया हम लोग आने में। बल्कि रोड बिल्कुल खाली थी, ऐसा रश नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जंगल का रास्ता तो स्लो ही चलानी पड़ती है हमें। सो अभी जस्ट पहुँचे हैं, कपड़े चेंज किए हैं, फ्रेश हुए हैं। और गौरा आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? गिफ्ट को अंकल ने रिटर्न गिफ्ट दिया। अभी जो बर्थडे में गए थे आप? हाँ। अच्छा, मजे आ गए गौरा के तो? खोल के देखो, खोल के देखो क्या है इसमें। देखते हैं क्या है वाओ, इसमें तो ड्राइंग किट है क्या? कौन सी किट है इसमें? अरे वाह, गौरा तो पढ़ाई में ही अव्वल आएगी, अब तो सब बुक्स मिल रही हैं गौरा को, है ना, गिफ्ट में। इसके अंदर तो क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर कलर्स हैं, बहुत क्यूट क्यूट से कलर्स। बट अभी नहीं मिलेंगे आपको ये? अभी तो जब मैं फर्स्ट में जाऊंगी तब मिलेंगे। हाँ, कब जाओगी तुम फर्स्ट में? पता नहीं। ये ड्राइंग, ड्राइंग बुक, ये तो गौरा की फेवरेट है। ड्राइंग करना तो फेवरेट है गौरा का ना? मेरा फेवरेट है। और आपके लिए पेंसिल, ग्रीन कलर की पेंसिल, वाओ ब्यूटीफुल। नाउ इट्स अ कलर एंड देन वन मोर कलर एंड शार्पनर एंड इरेजर एंड व्हाट्स दिस? ओ माय गॉड, गौरा के तो मजे आ गए। पापा आप नहीं दिलाते हो इसे क्ले। अब अगर घर में गंदगी हुई तो कौन सफाई करेगा? गौरा। गौरा के तो मजे आ गए। गौरा अंकल को थैंक यू तो बोल दे। किस चीज के लिए? अच्छे से बोलो। सबसे अच्छी क्या लगी इसमें चीज तुझे? क्ले।